हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगिर और आज के इस वीडियो में बेटा हम एडजेक्टिव्स के जो इम्पोर्टेंट रूल्स चल रहे थे ना उसका पार्ट टू शुरू करने वाले हैं। जैसा कि बेटा आपको पता है कि पार्ट वन में हमने जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे ना वो फाइव रूल्स अच्छी तरह से देख भी लिए थे और उनको समझ भी लिया था। इस पार्ट टू में हम रूल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे वो देखेंगे, साथ ही साथ में जो एरर्स हैं और उन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करें या उनको कैसे करेक्ट करें ये सब भी सीखेंगे बेटा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम रूल नंबर 6 की बात करें तो रूल नंबर 6 हमें ये कहता है बेटा कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में यदि हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में तो बेटा वहां पर पर्सनल प्रोनाउन का हमेशा सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रवीण इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिम। तो बेटा सबसे पहले ये देखिए स्ट्रॉन्ग क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है, एज और एज के बीच में आया है ना, इसलिए ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री के बाद में हमने पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया तो आप क्या करेंगे बेटा, एक सिंपल सेंटेंस की तरह जो बिना एडजेक्टिव का सेंटेंस होता है जिसमें डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता तो वहां पर हम क्या करते थे, उसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया करते थे किसी भी प्रोनाउन का। लेकिन बेटा नहीं, ऐसा हमको यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री के बाद में यदि पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं बेटा, आई वी यू ही शी इट और दे, तो यहाँ पर जो हिम है ना तो बेटा इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए, प्रवीण इज एज स्ट्रॉन्ग एज ही न कि हिम। अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे है बेटा शी इज स्मार्टर देन मी। तो बेटा यहाँ पर स्मार्टर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में भी हम पर्सनल प्रोनाउन का हमेशा सब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल किया करते हैं तो मी के स्थान पर यहाँ पर आई आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बेटा क्या किया है, मी का इस्तेमाल किया है ना, मतलब मी को लिखा है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। तो सही सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, शी इज स्मार्टर देन आई। यदि हम रूल नंबर 7 की बात करें तो बेटा देखो यहाँ पे मैंने आपको 8 एडजेक्टिव्स लिखे हैं, तो यहाँ पर बेटा देखो सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, प्रेफरेबल, प्रियर, इनका प्रयोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होता है। अब आप सोचोगे कंपैरेटिव डिग्री है तो भाई कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम तो देन का यूज करते हैं, लेकिन बेटा इन 8 शब्दों के लिए या इन 8 एडजेक्टिव्स के लिए ये नियम लागू नहीं होता। इन 8 एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा, हमें ये तो पता है कि कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है, लेकिन बेटा कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम यहाँ पे देन का इस्तेमाल न करके किन का इस्तेमाल करेंगे, टू का। तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है दे आर सीनियर देन हिम, तो बेटा देखो सीनियर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। अब आप सोचेंगे कि भाई कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके बाद में देन का यूज करो, लेकिन बेटा ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, आपको सीनियर के बाद में टू का इस्तेमाल करना होगा। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, दे आर सीनियर टू हिम। यदि हम सेकेंड सेंटेंस की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है दिस इवेंट टुक प्लेस मोस्ट प्रायर देन दैट। तो बेटा देखो आप अच्छी तरह से ध्यान देना, यहाँ पे जो ये प्रायर है ना, ये शब्द हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, तो इससे पहले हम मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी गलती हमने ये की है कि जो प्रायर है इसके बाद में हम टू का प्रयोग करते हैं न कि देन का। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, दिस इवेंट टुक प्लेस प्रायर टू दैट। अगर हम रूल नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि एक ही संज्ञा के दो गुण या फिर दो जो अवगुण हैं उनकी परस्पर तुलना करनी हो ना बेटा, तो इस स्ट्रक्चर के लिए, तो इस प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, मोर के बाद में पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। मोर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे हम दो क्वालिटीज या दो डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं, तो दो के बीच में कंपेयर करने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, मोर का, और इसके बाद में देन का प्रयोग करेंगे और देन के बाद में आपको पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है। ध्यान रखना कंपैरेटिव के रूप में आप कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल मत कर लेना, दोनों ही सिचुएशन में यहां पे भी पॉजिटिव डिग्री और यहां पे भी पॉजिटिव डिग्री। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही वाज मोर हेवियर देन टॉल, तो बेटा जो वो व्यक्ति था वो लंबा होने से ज्यादा भारी भरकम ज्यादा दिखाई दिया करता था। तो यहाँ पर जो हैवी और जो टॉल है ये दोनों विशेषताएं एक ही पर्सन की हैं, तो बेटा यहाँ पे आपने देखो क्या गलती की है, मोर का यूज किया ठीक है, हैवियर यानी कि इसका कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं लेना था हमें, हमें केवल पॉजिटिव डिग्री यूज में लेना था। तो बेटा सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, ही वॉज मोर हैवी देन टॉल। तो बेटा ध्यान रखना एडजेक्टिव का कंपैरेटिव जो डिग्री है ना तभी इस्तेमाल होता है जब हम
अलग अलग संज्ञाओं के गुणों या अवगुणों की बात करें तो और उनमें तुलना करने की बात करें तो। लेकिन बेटा अगर एक ही व्यक्ति के गुणों की या अवगुणों की तुलना करनी हो तो आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करें। ध्यान रखिएगा उससे पहले आपको मोर और देन का इस्तेमाल करना है। चलो सेकंड एग्जांपल को एक बार और देख लेते हैं। शी इज हैप्पियर देन पुअर, कि जो वो लड़की है या वो जो औरत है वो बेटा गरीब भी है तो वो खुश भी है, लेकिन इसमें वो अपनी गरीबी का रोना नहीं रोती है, उससे ज्यादा वो अपनी खुशी को एंजॉय करती है। तो यहाँ पर बेटा देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, हैप्पियर इस्तेमाल किया जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे बेटा आपको हैप्पियर का इस्तेमाल नहीं करना था और हैप्पी का इस्तेमाल करना था, और हैप्पी से आपको पहले मोर का यूज करना चाहिए था। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, शी इज मोर हैप्पी देन पुअर। ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम इस वीडियो के लास्ट रूल के बारे में बात करें, बेटा ये इस वीडियो का लास्ट रूल है, एडजेक्टिव का लास्ट रूल नहीं है। तो बेटा रूल नंबर 9 हमें ये कहता है कि डबल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का इस्तेमाल आप सेंटेंस में कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये है एक ही कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करिए, उससे पहले आप दूसरी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल न करें। या यूं भी कह सकते हैं कि भाई कंपैरेटिव डिग्री को और ज्यादा कंपैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही बेटा सुपरलेटिव डिग्री को ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री बनाने की जरूरत है। तो देखिए बेटा यदि हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है इट इज मोर लाइटर देन दैट, कि भाई ये जो है चीज वो उस चीज से ज्यादा हल्की है। तो बेटा लाइटर पहले ही कंपैरेटिव डिग्री में है, उससे पहले आप मोर लगाकर उसको ज्यादा कंपैरेटिव क्यों बनाते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, इट इज लाइटर देन दैट। अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की तो बेटा इसमें लिखा हुआ है इट इज द मोस्ट बिजिएस्ट रोड इन सिटी। तो बेटा आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो बिजिएस्ट है वो अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले मोस्ट का प्रयोग करके इसको डबल सुपरलेटिव क्यों बनाते हैं। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, इट इज द बिजिएस्ट रोड इन द सिटी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको एडजेक्टिव के जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल चल रहे थे तो रूल नंबर 9 तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा और मैं जो आपके जितने भी कंफ्यूजन है उनको समय रहते हुए सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा आप इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा फॉर गिविंग योर प्रेसियस टाइम वॉचिंग दिस वीडियो।